स्थानीय वार्ड नंबर 16 राम जानकी पारा में रविवार को श्री राम जानकी स्कूल के बाउंड्री वॉल के किनारे वृक्षारोपण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पालिका अध्यक्ष धनराज मध्यानी व वार्ड पार्षद मगराज सोनकर प्रमुख रूप से मौजूद थे। वार्ड पार्षद मगराज सोनकर के नेतृत्व में आयोजित इस पौधरोपण कार्यक्रम में नगर के कांग्रेसी पार्षद व वार्ड के गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे और सभी ने मिलकर इस दौरान वृक्षारोपण किया, जिसमें बड़ी संख्या में गुलमोहर, बादाम, पीपल व मोनोकॉपर्स जैसे फलदार, फूलदार और छायादार पौधे रोपे गए। पालिका अध्यक्ष धनराज मध्यानी ने धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप पूजन अर्चन करते हुए पहला पौधा लगाकर इस वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही वार्ड पार्षद मगराज सोनकर सहित अन्य लोगों ने पौधे रोपे। पालिका अध्यक्ष धनराज मध्यानी ने कहा कि हरियर छत्तीसगढ़ के तहत पूरे नगर में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सरकार की मंशा के अनुरूप इस मुहिम के तहत सही जगह का चयन कर पेड़ लगाने का काम जारी है। इस योजना के तहत आगामी दिनों में नगर के कुछ स्कूल व वार्ड में भी पेड़ लगाए जाएंगे और नगर को पूरा हरा भरा बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ नगरपालिका अध्यक्ष धनराज मध्यानी जी यहाँ पर हैं। जी मध्यानी जी, बताइए कि जो वार्ड क्रमांक 16 राम जानकी पारा में है, आज वृक्षारोपण कार्यक्रम में आप आए हैं, संबंध नगर पालिका के द्वारा पूरे नगर में वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम चल रहा है। जैसे सरकार की मंशा है हरियर छत्तीसगढ़, तो हम भी अपने नगर को में हरियाली दिखे ऐसी जगहों को चिन्हित करके, जहां हमें लग रहा है कि यहां पेड़ लगाना उपयुक्त होगा, जगह खाली पड़ी है, हमारे सभी पार्षद लगे हुए हैं, आज उसी तारतम्य में वार्ड क्रमांक 16 के इस राम जानकी मंदिर के बाजू गली में यहाँ 20 पेड़ लगभग लगाए जा रहे हैं। माननीय हमारे पार्षद भाई मंगराज सोनकर जी लगातार पिछले एक हफ्ते से इस प्रयास में लगे हुए थे और उन्होंने पूरी मेहनत करके आज यहाँ इसकी व्यवस्था की और आज यहाँ वृक्षारोपण हुआ। इसी प्रकार आने वाले समय में कुछ स्कूलों को भी हमने चिन्हित किया है और कुछ और गलियों को चिन्हित किया है, वहाँ भी हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाएंगे और जहाँ भी आवश्यकता होगी हम लोग पेड़ों के माध्यम से इस नगर में हरियाली बढ़ाने का कार्यक्रम करेंगे। वार्ड पार्षद मगराज सोनकर ने कहा कि एक कदम प्रकृति प्रेम की ओर के सोच के साथ वार्ड में पेड़ लगाए गए हैं। इन पेड़ों के लगाने से वार्ड में ऑक्सीजन को बढ़ावा मिलेगा, वार्ड में हरियाली व स्वच्छता बनी रहेगी। इस उद्देश्य को लेकर यह वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया है। हमारे साथ वार्ड पार्षद मंगराज सोनकर जी यहाँ पर हैं। जी सोनकर जी, बताइए जो आज आपके मोहल्ले में वृक्षारोपण हो रहे संबंध में। सबसे पहले आदरणीय मर जो अध्यक्ष महोदय जी धनराज मंदिर जी, मर पार्षद के मैं वन अनुभव करे हूँ। पहला मोर पद ये जो भी झाड़ झड़ो का रोड नाली आदरणीय मर अध्यक्ष मोदी जी हमारे बात सुनते हैं और हर समय हर दिल अपन छोटे भाई समझ के पूरा, ये नहीं एक ही वार्ड नहीं, हर वार्ड में इसे हमारे भाई चर्चा होते रहते हैं सब चीज कि स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, हरियाली रहे। हमला मार्गदर्शन अध्यक्ष मोदी जी से मिलत रहते हो, हमें बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे अध्यक्ष मोदी ला कि हमारे बात ला जो समझते जानते हमारे छोटे भाई की तरफ पूरा नगर में हमला जो ताकत देते सामने लाते और कार्य करवाए। में अभी कितनी संख्या में पेड़ लगाए होंगे आपके वार्ड में? ये पेड़ जो है मतलब 20 साढ़े 20 इस ऑक्सीजन क्या उद्देश्य है इसका कि आप पेड़ लगा रहे हैं? जो वार्ड 16 में माननीय अध्यक्ष मोदी जी चर्चा हुई कि वार्ड में हरा भरा सब रहे, स्वच्छ रहे, ये सब उद्देश्य। ठीक है। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष रतिराम साहू ने पालिका द्वारा चलाए जा रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम को हरित क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि आज से नगर में हरित क्रांति की शुरुआत हो गई है। वृक्षारोपण से वार्ड के लोगों को साफ स्वच्छ हवा मिलेगी। स्थानीय पालिका प्रशासन नगर को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे साथ रतिराम साहू जी यहाँ पर हैं, जो जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। जी साहू जी, बताइए जो आज आप इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं वृक्षारोपण कार्यक्रम के संबंध में। देखिए, आज हमारे नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भाई धनराज मध्यानी जी और उनके निर्देशन हमारे सभी पार्षद साथीगण बड़ी जागरूकता के साथ इस शहर को किस रूप में इसकी सुंदरता, इसकी भव्यता बढ़े,
उन्होंने संकल्पित होकर के आज वार्ड नंबर 16 में जहां के पार्षद भाई बंगराज जी हैं, एक शुरुआत यहां से की है कि इस शहर में एक हरित क्रांति की दिशा में हम आगे बढ़े और यहां पर्यावरण भी एक अच्छा वातावरण मिले, उस दिशा में एक ऐसा प्रयास आज इन्होंने शुरुआत किया है। और इन सबकी मंशा है कि पूरे नगर में हरित क्रांति का वातावरण यहाँ देखने को मिले, यहाँ का प्रदूषण मुक्त हो, यहाँ का वातावरण अच्छा रहे, लोगों को सुखद वातावरण का एहसास इस नगरवासी को हो। इस दिशा में एक पहला प्रयास आज इन्होंने वृक्षारोपण करके किया है। मैं इन सभी को अपने तहे दिल से बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह से और आगे विकास कार्यों में अपना अग्रसर कदम उठाते रहे, इन्हीं शुभकामनाओं साथ पुनः बधाई देता हूँ। वहीं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे सोनकर समाज के महामंत्री व श्री राम जानकी स्कूल की सदस्य चेतन सोनकर ने कहा कि हरियर छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है। आज स्कूल किनारे बड़ी संख्या में वृक्षारोपण करने पर सोनकर समाज व स्कूल प्रशासन की ओर से पालिका प्रशासन के सभी जिम्मेदार व्यक्तियों का आभार व्यक्त करता हूँ। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने पेड़ लगाने व इसे सुरक्षित रखने का संकल्प भी लिया है। हमारे साथ चेतन सोनकर जी यहाँ पर हैं, जो छत्तीसगढ़ सोनकर समाज के महामंत्री और स्कूल जो राम जानकी स्कूल है उसके सदस्य भी हैं। जी बताइए सोनकर जी, आज वृक्षारोपण कार्यक्रम में इस संबंध में। ये छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है हरियर छत्तीसगढ़ जी, जिसके तहत हमारे सोनकर समाज के द्वारा संचालित विद्यालय जी के बाउंड्री वाल के किनारे इतने सारे वृक्षारोपण हो रहे हैं जी। और इसके लिए मैं स्थानीय पार्षद आदरणीय मंगराज सोनकर जी को और नगर पालिका के अध्यक्ष सम्मानी धनराज मध्यानी जी को और पूरे नगर पालिका परिषद की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। छत्तीसगढ़ सोनकर समाज की ओर से मैं उनको सत नमन करता हूँ और आगे भी बहुत सारे ऐसे उल्लेखनीय कार्य नगर पालिका परिषद की ओर से होते रहे, धन्यवाद। इस दौरान प्रमुख रूप से पालिका उपाध्यक्ष चतुर जगत, पार्षद हेमंत साहनी, पार्षद प्रतिनिधि फागुराम देवांगन, अर्जुन लोकिन साहू, एल्डरमैन शाहिद रजा, राजा चावला, राकेश सोनकर, अशोक सोनकर, राजू सोनी सहित वार्ड से विरुमल नागवानी, लोकनाथ सोनकर, अंकित मेघवानी सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी इस पौधरोपण कार्यक्रम में उपस्थित थे। डीएनएक्स टीवी के लिए नवापारा राजिम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट।